हेलो एवरीवन, वेलकम टू शो मज़ाइस. मैं हूँ शिवांगी शर्मा एंड हियर आई एम विद थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री क्लास 8. सो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में का नाम है रूलिंग द कंट्री साइड. सो इस चैप्टर में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कैसे ब्रिटिशर्स ने कंट्री साइड यानी कि जो गांव वाला इलाका था उधर पे रूलिंग शुरू करी. ठीक है, उधर पे कैसे उन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा राज शुरू करा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एक पास एक फ़ोटो है जहाँ पे रॉबर्ट क्लीव एक दीवानी एक्सेप्ट कर रहे हैं बंगाल के बंगाल बंगाल के एक दीवानी एक्सेप्ट कर रहे हैं. ठीक है, एक मुगल रूलर से ऑफ 1765. तो कंपनी बिकम्स द दीवान. सो अगर हम देखें तो 12 अगस्त 1765 में जो मुगल एम्परर थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवाइन घोषित कर दिया, उनको अपॉइंट कर दिया. तो वो एक्चुअल जो इवेंट इवेंट हुआ था वो रॉबर्ट क्लीव के ही एक टेंट में हुआ था. तो कुछ उसमें कुछ कुछ इंग्लिश मैंस थे और कुछ ही इंडियंस थे जो विटनेस कर सके एज अ विटनेस. तो ये जो ऊपर पेंटिंग थी यही बताती है कि कितना बड़ा वो ओकेजन रहा होगा, है ना, कितना मेमोरियल रहा होगा वो क्लीव्स की लाइफ में और पूरे ब्रिटिशर्स की लाइफ में, जब उन्हें दीवानी क्लियरली मतलब मिल गई थी. सो कितना बड़ा दिन रहा होगा. सो जब वो दीवान बन चुके थे तो कंपनी मतलब अब कंपनी जो थी वो मतलब जो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर है उस टेरिटरी की वो उनके अंडर थी. मतलब फाइनेंशियल फाइनेंस का जो भी है वो सब कुछ वो संभालेंगे. ठीक है, पैसे से लेना देना है उनका, अब जो भी मतलब मनी का जो भी लेन देन है वो सारा का जो राइट है वो इनके पास आ गया था. ठीक है, सो अब जब उनके पास ये राइट आ गया था तो अब ये अपने अकॉर्डिंग रेवेन्यू रिसोर्स ऑर्गेनाइज कर सकते थे और लैंड को भी अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर सकते थे. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मतलब जो रेवेन्यू है मतलब इतना रेवेन्यू बना दिया कि वो अपना जो उनकी कंपनी ग्रो कर रही थी तो जो भी उसका एक्सपेंसेस बने वो मतलब कवर कर सके, इतना उन्होंने रेवेन्यू रख दिया था. ठीक है, तो ट्रेडिंग कंपनी ने ये इंश्योर करा कि उनको वो सब कुछ मिल जाए, वो सब कुछ वो खरीद सके, वो एबल हो सब कुछ खरीदने की जो भी उन्हें चाहिए. ठीक है, सो कुछ सालों के बाद कंपनी को पता चला कि उन्हें ना थोड़े थोड़े मतलब कॉशंस के साथ चलना है, बिल्कुल ऐसे नहीं चलना, थोड़ा सी सावधानी भी रखनी है. बिकॉज वो एलियन पावर थे यानी कि मतलब बाहर की पावर थी, वो लोग फॉरेनर्स थे. तो अगर वो गांव में जाके अपना राज चलाएंगे तो ऑफ कोर्स लोग तो ऐसा सोचेंगे ना कि ये कौन है, कैसे से दिखते हैं गोरे लोग और आके हमारे ऊपर राज चला रहे हैं. तो उन्होंने क्या किया कि जो लोकल पावर्स थे वहाँ के उन्हीं को मतलब बोला कि उन्हीं को उन्होंने कंट्रोल किया और उन्होंने बोला कि ये एंटायरली ख़त्म नहीं होने चाहिए, अगर ये एंटायरली ख़त्म हो गए फिर जो लोग हैं वो हमारी नहीं सुनेंगे, जो लोकल पावर है उनको उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया. तो फिर क्या हुआ कि कंपनी, अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे कंपनी ने कंट्री साइड को भी कलोनाइज किया, कैसे रेवेन्यू सोर्सेज ऑर्गेनाइज करे, पीपल के राइट्स को रीडिफाइन किया. मतलब ठीक है, लोग बोलते थे कि हमारे ये राइट्स हैं, ठीक है, ये हमारे राइट्स हैं. तो ये लोग बोलते थे कि ये तुम्हारे राइट्स होंगे, अब हम इनसे कोई मतलब नहीं है, अब तुम्हारे जो नए राइट्स हैं न्यू राइट्स वो हम डिज़ाइन करेंगे तुम्हारे लिए. ठीक है, और वही क्रॉप वो बनवाते थे जो उनको चाहिए. ठीक है, पर्सनली. सो रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, सो यहाँ पे देखो कंपनी दीवान बन चुकी थी तो अब उनको लग रहा था कि वो खुद मतलब वो अभी भी दीवान बन चुके थे बट वो ना अभी भी खुद को मतलब ट्रेडर ही देख रहे थे. वो मतलब चल बोल रहे थे कि ठीक है चलने दो बट हमें अभी भी कॉलोनाइज नहीं करना, हम अभी भी ट्रेडर ही रहना चाहते थे बट हो नहीं रहा था वो सब कुछ, इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कॉलोनाइज करना शुरू करा. ठीक है, सो उनको ना लार्ज रेवेन्यू इनकम चाहिए था ताकि उनका जो भी मतलब रेगुलर जो भी उनका सिस्टम है असेसमेंट और कलेक्शन का वो मतलब चलता रहे रेगुलर, इसलिए उनको कुछ लार्ज रेवेन्यू इनकम चाहिए था. ठीक है, तो वो इतना इसलिए रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे थे ताकि वो फाइनेस्ट क्वालिटी के कॉटन और सिल्क खरीद सके जितना चीपली हो सके, जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता कॉटन और सिल्क वो लोग खरीदना चाहते थे. ठीक है, 5 साल के अंदर अंदर जो मतलब जो भी गुड्स थे वो मतलब अचानक से डबल हो गई उनके अमाउंट जो भी बंगाल में जो भी गुड्स बनते थे. ठीक है, सो 1765 के पहले पहले जो कंपनी थी वो क्या क्या करती थी कि उनके पास ना कुछ होता नहीं था, मतलब तो वो ब्रिटेन से
गोल्ड और सिल्वर लाके यहाँ रख दी, यहाँ पे देती थी, और बदले से जो भी प्रोड्यूसर्स थे उनसे सामान ले जाया करती थी। बट अब उनके पास इतना रेवेन्यू आ जाया करता था कि वो उसी रेवेन्यू से खरीद के ब्रिटेन पहुँचा देती थी चीज़ें। ठीक है, जल्दी ही बंगाल की जो इकोनॉमी थी, बंगाल की इकोनॉमी में हमें काफ़ी मतलब एक क्राइसिस देखने को मिला, क्योंकि ब्रिटिश इतना सब कुछ कर ही रहे थे, इतना वो रेवेन्यू ले रहे हैं, है ना। उसके अलावा कुछ तो ब्रिटिश से नहीं ला वहाँ से नहीं ला रहे ब्रिटेन से, जबकि हमारा वो ले जा रहे थे जितना सस्ता हो सके। तो ऑफकोर्स लोगों को मतलब जो भी उस टाइम के जो भी पीजेंट्स थे, जो भी काम करने वाले लोग थे, उन्हें ऑफकोर्स लॉस ही हो रहा था, ग्रेट लॉस। उसकी वजह से बंगाल में हमें एक क्राइसिस देखने को मिला। जो भी आर्टिसंस थे वो गांव छोड़ के जाने लगे, क्योंकि उनको जो भी कंपनी को वो जो भी प्रोडक्ट बेचते थे वो बहुत ही लो प्राइजेस में बेचते थे, बेचना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उन्हें लॉस हो रहा था। जो पीजेंट्स थे वो अनेबल थे अपने सारे टैक्स ड्यूटीज़ अपने सब कुछ पे करने के लिए, ड्यूज़ पे करने के लिए। जो आर्टिसंस थे उन्होंने मना कर दिया कि हम कुछ नहीं बनाएंगे अब। और जो एग्रीकल्चरल कल्टिवेशन जो था उसमें भी हमें कोलैप्स देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद 1770 में एक बहुत ही टेरिबल फेमाइन आया, भूखमरी आई, जिसकी वजह से बंगाल में 10 मिलियन लोग मर गए, 10 मिलियन मतलब लगभग 1 करोड़ लोग मर गए। तो विच वॉज अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट। मतलब उस टाइम पे बंगाल में अगर 3 करोड़ की सॉरी 3 करोड़ की वहाँ पे पॉपुलेशन थी, उसमें से 1 करोड़ मर चुके थे। ठीक है, सो 1/3 वॉज वाइप्ड आउट। सो यहाँ पे देखो हमारे पास एक फोटो है, जो मार्केट जो वीकली मार्केट्स लगते हैं, जो हाट्स लगते हैं। सो यहाँ पे क्या किया करते थे, जो भी प्रोड्यूसर्स थे, जो भी ये बनाया करते थे, जो क्रॉप्स उगाया करते थे, ये लोग हाट्स में आया करके हाट्स में आते थे। हाट्स में आकर या तो अपनी चीज़ बेचते थे, या तो जो भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो खरीद लिया करते थे। ये वीकली होता है, तो वीकली की एक या दो पर्टिकुलर दिन में ये लोग लगते हैं हाट्स। ठीक है, सो द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। सो यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोटो है चार्ल्स कॉर्नवलिस की। सो चार्ल्स कॉर्नवलिस जो थे वो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, और उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करवाया था, वो अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, सो एग्रीकल्चर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो इकॉनमी रिवन रुइन हो चुकी थी, कंपनी अब रेवेन्यू कहाँ से लाएगी। ठीक है, ये डर था, डर उनको ये नहीं था अभी भी कि इंडिया की हालत इतनी ख़राब हो रही है, उनको ये डर था कि इकोनॉमी गिर रही है, इनकम नहीं है, तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा। उनको भी टेंशन तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा। ठीक है, सो जो भी कंपनी ऑफिशियल्स थे उन्होंने सोचा कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्होंने सोचा कि कंपनी के जो भी ऑफिशियल्स है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे लैंड में, ताकि जो भी फार्मर्स है उनको थोड़ी एनकरेजमेंट मिली और एनकरेजमेंट मिलेगी और एग्रीकल्चर जो है वो बढ़ेगा। बट ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। हुआ क्या कि लगभग 20 साल के बाद इस क्वेश्चन पे मतलब डिबेट हुई, और कंपनी ने फाइनली इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। सो बाय द टर्म ऑफ द सेटलमेंट, जो भी राजाज और जो भी तुलुकदार थे उनको ज़मींदार बना दिया गया। ठीक है, जो भी राजा और जो तुलुकदार थे उनको ज़मींदार बना दिया गया, और उनको बोला गया कि तुम जो भी रेंट है वो तुम कलेक्ट करोगे, और आके मतलब आगे वो रेवेन्यू कंपनी को पे कर दोगे। ठीक है, और इसकी जो ये जो रेवेन्यू होगा, इसकी जो अमाउंट होगी वो फिक्स ही रहेगी, वो अमाउंट फिक्स रहेगी, हम उसको ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, फिक्स अमाउंट रखेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, सो उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर हम फिक्स अमाउंट रखेंगे तो ऑफकोर्स वो मतलब रेवेन्यू अपना जो एग्रीकल्चर है उसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे। उन्होंने ये भी सोचा कि ऐसे तो रेगुलर फ्लो आता रहेगा। कंपनी के जो कॉफर्स थे उन्होंने सेम टाइम कोशिश की कि वो लैंड में इन्वेस्ट करेंगे इस तरह से, तो स्टिल जो रेवेन्यू डिमांड था वो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ, ना कि मतलब ना ही उनको कोई बेनिफिट आया। बिकॉज प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट बनाया जिसमें जो रेवेन्यू का जो अमाउंट है वो फिक्स है, ठीक है, तो जो ज़मींदार थे उनको अभी भी कोई इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है, वो अभी भी अपने लैंड को इम्प्रूव कर ही नहीं रहे हैं। तो क्योंकि जो रेवेन्यू की जो अमाउंट है वो इतनी ज़्यादा उन्होंने फिक्स करी थी कि चाहे वो फिक्स ही है बट वो पे ही नहीं कर सकते। सपोज जो एक एक फार्मर है जो जो ना 100 रुपये ही कमा रहा है, और 80 रुपये तो उसमें से उन्होंने फिक्स रखा है कि हाँ 80 रुपये तो तुम्हें देना ही है, 80 रुपये फिक्स है, चाहे वो आगे जाके कितना हो, बट फिर भी वो नहीं पे कर पाएगा ना, वो अपना खर्चा कैसे चलाएगा, है ना।
तो उसकी वजह से, और हो क्या रहा था कि जो भी मतलब अपनी ये अपने रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहा था, वो अपनी ज़मींदारी खो दे रहा था, ठीक है। सो फिर जो भी ज़मीन बच रही थी, बाकी सारे ज़मींदारों को बैठ के वहाँ पे ना ऑक्शन लगाया जाता था। ऑक्शन मतलब बोली लगाई जाती थी कि तुम ये ज़मीन कितने में खरीदोगे ऐसे करके, ठीक है, और बदले में तुम्हें जितना फिक्स है उतना देना ही है रेवेन्यू। सो 19th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में सिचुएशन बदला, मार्केट के प्राइजेस बढ़ गए और कल्टीवेशन थोड़ा धीरे 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 एक्सपेंड होने लगा। इसका मतलब था कि ज़मींदार्स की जो इनकम है वो तो बढ़ी, बट कंपनी को ना कोई गेन नहीं आया, बिकॉज उन्होंने तो फिक्स कर दिया था। उन्होंने बोला कि 80 रुपये, अब वो 80 तो 80 रहेगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पे उन्होंने सिचुएशन चेंज हो गई, तो और जो कल्टीवेशन था वो एक्सपेंड हो गया, तो जो पीजेंट्स थे जो ज़मींदार थे उनको तो आने लग गया प्रॉफिट, बट कंपनी के पास नहीं आया बिकॉज द रेवेन्यू डिमांड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, ठीक है। बट फिर भी ज़मींदार्स ने ना लैंड में कोई भी इम्प्रूविंग नहीं की, बिकॉज उनको यही लग रहा था कि क्या पता ये कब हमारे हाथ से लैंड छीन ले। पता चला हमने थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट क्या डाला, थोड़ा सा इसको इसमें इन्वेस्टमेंट किया, कि इन्होंने बोला कि हम तुम्हारी ज़मींदारी छीन के अब ना वापस ले रहे हो, तो इसलिए उन्होंने मतलब वो किया नहीं है, उनके अंदर ना ये डर था। फिर ऑन द अदर हैंड जो विलेजेस थे वहाँ पे जो कल्टिवेटर्स थे वो एक्सट्रीमली ऑपरेसिव हो गए। जो रेंट वो पे किया करते थे ज़मींदार्स को वो बहुत ज़्यादा था, और मतलब उनको उनके जो राइट्स थे उनकी ही लैंड के वो काफ़ी इनसिक्योर हो गए थे। उनको काफ़ी डर लग रहा था कि कभी हमारी ही लैंड हमसे छीन लेंगे। रेंट पे करने के लिए वो हमेशा मनी लेंडर से लोन लिया करते थे, और बाद में मतलब वो कभी वो रेंट पे नहीं कर पाते थे बिकॉज इतना ज़्यादा रेवेन्यू वो उनसे ला ले मतलब लिया करते थे। तो ये इफेक्ट किया गया कि जो लैंड है उसकी कल्टीवेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा जनरेशंस के लिए, ठीक है। अब नया सिस्टम बना, तो अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत सारी जो कंपनी का बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स ने फिर से सोचा कि ये जो रेवेन्यू सिस्टम है इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। तो अब उन्होंने बोला कि जब रेवेन्यू फिक्स हो चुके हैं परमानेंटली, बट कंपनी को तो और पैसे चाहिए ताकि वो अपने जो भी एक्सपेंसेस है उनको पूरा कर सके। तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस बंगाल प्रेसिडेंसी की जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस थी मतलब उत्तर प्रदेश का एरिया, उधर एक इंग्लिश मैन होल्ट मैकेंजी ने एक नया सिस्टम इफेक्ट पे लाया 1822 में। उन्होंने ये सोचा कि विलेजेस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है, और अगर और मतलब इनको हमें बचाना चाहिए, इनको प्रिजर्व करके रखने की ज़रूरत है। उनके डायरेक्शन के अंदर जो कंट्रोलर्स थे उन्होंने मतलब वो विलेज में गए, उन्होंने लैंड को इंस्पेक्ट किया, लैंड को मेजर किया, और कुछ कस्टम्स और राइट्स बनाए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के लिए। तो उन्होंने बोला कि एक प्लॉट कितना है उस प्लॉट के अकॉर्डिंग हम रेवेन्यू लेंगे, ठीक है। तो मतलब वो प्लॉट में कितना है, फिर उन्होंने कितने सारे प्लॉट है उनसे कितना रेवेन्यू आ सकता है, उनको कैलकुलेट करके ऐड करके टोटल रेवेन्यू निकाला, ठीक है। जितना भी रेवेन्यू हर एक विलेज विलेज को उन्होंने महल बोला, एक विलेज को कितना रेवेन्यू पे करना है वो उन्होंने कैलकुलेट करके निकाला, ठीक है। तो उनकी डिमांड जो थी वो पीरियोडिकली रिवाइज की जाती थी, वो फिक्स्ड नहीं थी, परमानेंटली फिक्स नहीं की गई थी। रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो चार्ज है और उसको कैसे पे करना है वो कंपनी को दिया गया, और कंपनी ने विलेज के हेडमैन को दे दिया, और उसके बाद जो ज़मींदार थे उन सबको इन्होंने मतलब ये दे दिया कि तुम लोग अब रेवेन्यू इकट्ठा करोगे, और इस सिस्टम को ही मालवारी सिस्टम बोला गया, ठीक है। फिर आता है द मुनरो सिस्टम। जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी साउथ की, वो मतलब जो परमानेंट आइडिया का सेटलमेंट है वो भी उनसे दूर भागा, उनको वो भी नहीं पसंद आया। बट जो नया सिर उधर जो है एक नया सिस्टम आया जिसका नाम उन्होंने रखा रेवतवार या रेवतवारी सिस्टम, ठीक है। ये पहले तो स्मॉल स्केल में ही किया, ये करा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, ठीक है। उन्होंने कुछ एरियाज पे करा, और जो एरिया उन्होंने टीपू सुल्तान से लड़ाई करके ली थी उधर उन्होंने थोड़ा सा उसको बनाया, ठीक है। सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय द थॉमस मुनरो दिस सिस्टम वॉज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। तो ये थॉमस मुनरो ने ये जो भी सिस्टम बनाया वो साउथ इंडिया में ग्रेजुअली बढ़ता चला गया। रीड और जो मुनरो थे उन्होंने साउथ को छोड़ दिया, और मतलब कोई भी उधर मतलब उन्होंने बोला कि साउथ में कोई भी ना ट्रेडिशनल ज़मींदार नहीं रहेगा,
जो सेटलमेंट था उन्होंने बनाया, उन्होंने डायरेक्टली कल्टीवेटर्स के पास दे दिया, जो रेओत्स थे, रेओत्स कल्टीवेटर्स को बोला गया, ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट ही उनको दे दिया, जो कि जो लैंड को बना रहे थे, जो लैंड को टिल कर रहे थे, जो रेत पे सारा काम करते थे, जो टिलर्स थे, और उनकी जो फील है उनको बहुत ही केयरफुली और सेपरेटली सर्वे किया गया, रेवेन्यू और रेवेन्यू असेसमेंट बनाई गई। तो उन्होंने सोचा कि जो ब्रिटिश है उनको ना फादर फिगर की तरह काम करना है, उनको ना ऐसी अपनी एक फादर फिगर दिखानी है कि हम कैसे रेओत्स को बचा रहे हैं, ये उनको दिखाना था, ठीक है, उनको ऐसे एक्ट करना है, ऐसा वो चाह रहे थे। बट ऑल वॉज नॉट वेल, सब कुछ सही नहीं हुआ। क्या हुआ कि कुछ ईयर्स के बाद नया सिस्टम इम्पोज किया गया और ये सब कुछ पता चल रहा था कि इनके साथ ना सब कुछ ठीक नहीं है, ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सो मतलब एयरलैंड से इनकम बढ़ाना चाह रहे थे वो, तो रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने बहुत ही हाई रेवेन्यू डिमांड फिक्स कर दी और पीजेंट्स उनको पे करने में मतलब पे नहीं कर पा रहे थे। फिर जो रेओत्स थे उन्होंने गांव छोड़ दिए और विलेजेस जो थे वो मतलब काफ़ी दूसरे दूसरे रीजन में जाके वो बस गए, जो अलग रीजन्स में थे। ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स उन्होंने इमेजिन किया कि एक नया सिस्टम, मतलब एक नया सिस्टम है जिसमें पीजेंट्स को हम रिच एंटरप्राइज फार्मर्स बना देंगे। उन्होंने सोचा कि ये जो छोटे 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 जो भी पीजेंट्स हैं उनको ना हम रिच फार्मर्स बना देंगे। बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज इतना सब कुछ वो रेवेन्यू ले रहे थे, ऐसा सब कुछ कहाँ ही ठीक हो जाएगा। सो अब हम पढ़ते हैं क्रॉप्स फॉर यूरोप। सो जो ब्रिटिश थे उन्होंने ऐसा रियलाइज, उनको ये भी पता चला कि ये जो गाँव का इलाका है इनसे हम सिर्फ रेवेन्यू नहीं इकट्ठा कर सकते बल्कि हम इनसे बहुत ही अच्छी अच्छी क्रॉप्स भी ग्रो करवा सकते हैं जो हमें, जो यूरोप को चाहिए, ठीक है। तो लेट 18th सेंचुरी में कंपनी ने ट्राई करा कि वो कल्टीवेशन, कि वो ओपियम और इंडिगो का कल्टीवेशन बढ़ाएंगे। व्हाट इज़ ओपियम? ओपियम होता है अफीम और इंडिगो होता है नील, ठीक है। इन दो चीज़ों का उन्होंने एक्सपेंड करने की कोशिश की, ठीक है। सो सेंचुरी में, जब सेंचुरी लगभग हाफ ख़त्म हो चुकी थी, तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने परस्यू किया और फोर्स किया कल्टीवेटर्स को कि तुम, कि मतलब जहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बन रही थी, जैसे बंगाल में जूट बन रहा था, असम में टी बनती थी और उत्तर प्रदेश में शुगर केन बनता था, पंजाब में वीट बहुत था और कॉटन महाराष्ट्र और पंजाब जैसे इलाकों में बहुत ज़्यादा उग रहा था और राइस मद्रास में बहुत ज़्यादा उग रहा था। तो इन्होंने किया क्या, ब्रिटिशर्स ने बहुत ही तरह तरह के मेथड्स यूज़ करे जिससे वो अपने कल्टीवेशन को बढ़ा सके, जो कल्टीवेशन होने चाहिए उन क्रॉप्स की कल्टीवेशन बढ़ा सके। सो इन्हीं में से एक क्रॉप का हम क्लोजर लुक देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, डज कलर हैव अ हिस्ट्री, यहाँ पे आपको दो फोटो दिख रही होगी, एक कलमकारी प्रिंट है और एक है मॉरिस कॉटन प्रिंट। सो देखो इन दोनों में ना आपको बहुत ही एक कॉमन चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे आप देखोगे कि जो कलमकारी प्रिंट है ये ना आंध्र प्रदेश का एक प्रिंट है, ये आपको याद रखना है। सो इन दोनों पिक्चर्स में ना एक बहुत कॉमन चीज़ है, वो है ब्राइट ब्लू कलर। ये जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है इतना ब्राइट, ये ब्राइट ब्लू कलर आता था इंडिगो से। इंडिगो एक प्लांट होता है जो कि ब्लू कलर डाई करने में यूज़ करता है, ठीक है। सो ये तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि जब 19th सेंचुरी मतलब चल रही थी, तो ब्रिटेन ने इंडिगो यहाँ से यहाँ पे मैन्युफैक्चर करवाया, इंडिया में कल्टीवेट करवाया, ठीक है। और इंडिया बिगेस्ट सप्लायर बन गया इंडिगो का पूरे दुनिया पे। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंडिगो का जो सप्लाई आता था वो आता था इंडिया से, ठीक है। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो का ही क्यों डिमांड? क्योंकि देखो इंडिया जो इंडिगो है ना वो ट्रॉपिकल एरिया पे ज़्यादा ग्रो करता है और 13th सेंचुरी में इंडिगो क्लोथ डाई करने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था, स्पेशली इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लोथ्स। हाउएवर जो छोटे छोटे अमाउंट्स ऑफ इंडिगो थे ना वो यूरोपियन मार्केट में पहुँच तो जा रहे थे बट बहुत ही हाई प्राइस में वो बिक रहे थे। तो वैसे यूरोपियन जो क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स थे वो ना एक प्लांट पे डिपेंड करते हैं जिस प्लांट का नाम है वोट। वो वोट जो प्लांट है वो वॉयलेट और ब्लू डाई ही देता है, बट कंपेरेटिवली इंडिगो जो डाई देते हैं ना वो बहुत ही ब्राइट होता है और जो वोट देता है WOAD वोट वो काफ़ी मतलब एक डल सा कलर देता है। तो अब क्या कर सकते थे, बिकॉज इट वॉज ग्रोन, वो वहीं पर ग्रो हो जाता था, सो उसकी वजह से वो ईजी होता था। बट जो वहाँ के जो भी फार्मर्स, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स थे जो वोट बनाते थे, उन्होंने कंपनी को बोला, यूरोपियन की जो गवर्नमेंट है उनको बोला कि इंडिगो का जो इंपोर्ट है उसको बैन कर देना चाहिए, बिकॉज फिर तो जब वोट है हमारे पास तो हम क्यों इंडिगो का यूज़ करें और वोट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है।
पर फिर जो क्लोड डायर्स थे वो इंडिगो को ज़्यादा प्रेफर करते थे बिकॉज इंडिगो ज़्यादा अच्छा कलर देता था, ठीक है। तो 17th सेंचुरी में जो यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने मतलब उन्होंने गवर्नमेंट पे इतना वो डाल दिया कि आप इंडिगो को बैन कर दो, मतलब बैन, इंडिगो आना ही नहीं चाहिए, इंडिगो का इम्पोर्ट ही बंद कर दो। फिर जो फ्रेंच कल्टिवेशन थी, मतलब फिर फ्रेंच ने स्टार्ट किया कि वो इंडिगो कल्टिवेट करेंगे इन सेंट डोमिंग ऑफ कैरेबियन आइसलैंड, और पर्टुगीज़ ने बोला कि हम भी ब्राज़ील में बनाएंगे, और जो इंग्लिश लोग थे यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बोला हम जमैका में, और जो स्पेनिश लोग थे उन्होंने वेनेजुएला में। सो इंडियन इंडिगो प्लांटेशन जो था वो मतलब नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी जगहों पे किया जाने लगा। 18th सेंचुरी के एंड में फिर से जो इंडियन इंडिगो का जो डिमांड है वो बढ़ गया, और ब्रिटिशर्स ने मतलब फिर से आके ज़बरदस्ती वो बनवाए, और मतलब वो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज वगैरह उन्होंने शुरू कर दिया था, जबकि इंडिगो का जो डिमांड है वो बढ़ गया। सो जो वेस्ट इंडीज़ थे और जो अमेरिका थे वो कलैप्स हो गए बहुत ही वैरायटी ऑफ सीजन्स पे, बिकॉज 1783 और 89 में इंडिगो का जो प्रोडक्शन था वो पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, आधे से भी ज़्यादा कम हो गया, और वर्ल्ड में कमी पड़ गई इंडिगो की। फिर ब्रिटेन के जो क्लोथ डायर्स थे उनको मतलब अब वो देख रहे थे कि हम कहाँ से नया सोर्स लाए कि हमें इंडिगो मिले, बिकॉज इंडिगो तो चाहिए अगर कपड़े डाई करने, और इंडिगो का रंग बहुत प्यारा आता था, ठीक है। फिर ब्रिटेन ने फिर से देखा इंडिया की तरफ, और जबकि यूरोप में इतना डिमांड बढ़ रहा था इंडिगो का, तो कंपनी ने सोचा कि क्यों नहीं इंडिगो का कल्टीवेशन हम एक्सपेंड करें इंडिया में ही, इंडिया में, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि लास्ट डिकेड्स में 18th सेंचुरी के जो इंडिगो का कल्टीवेशन है वो बंगाल में बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करवा दिया, और बंगाल का जो इंडिगो है, बंगाल का जो इंडिगो बनता था स्पेशली इन बंगाल, वो पूरी दुनिया में वो ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गया, सबसे ज़्यादा मतलब उसी की डिमांड थी, बहुत फेमस हो गया, ठीक है। 1788 में 30% का इंडिगो जो ब्रिटेन में जाता था, जो इंग्लैंड में, सो जो 30% जो इंडिगो है वो इंडिया से ही जाता था, ठीक है, 1810 में, और 1810 में ये जो प्रोपोर्शन है ये 95% बन गया, देख रहे हो, 1788 में सिर्फ 30% और 1810 में ये 95% बन गया। तो जैसे इंडिगो का ट्रेड बढ़ा, जो कमर्शियल एजेंट्स थे और जो भी ऑफिशियल्स थे उन्होंने इंडिगो के प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने बड़े बड़े जॉब्स छोड़ के इंडिगो के बिजनेस में उन्होंने अपना भी योगदान दिया, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि इंडिगो इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है तो ऑफकोर्स इंडिगो का हम लोग अगर बिजनेस करेंगे तो हमें फ़ायदा मिल होगा, क्योंकि हाई प्रॉफिट मिल सकता था। बहुत सारे स्कॉटिश मैन और बहुत सारे इंग्लिश मैन आए इंडिया में और प्लांटर्स बन गए, ठीक है। जिनके पास मनी नहीं था इंडिगो बनाने के लिए उन्होंने लोन्स लिया कंपनी से ही और बैंक से, ठीक है। सो इंडिगो कल्टीवेट कैसे किया जाता था, अब देखो यहाँ बेसिकली दो मेन सिस्टम थे इंडिगो कल्टीवेशन के, निज और रेवती। सो निज कल्टीवेशन के अंदर क्या होता था कि जो प्लांटर थे वो लैंड इंडिगो बनाते थे जिनका उन पर डायरेक्ट कंट्रोल था, यानी कि उन्हीं के लैंड या जो लैंड वो रेंट पे ले लिया करते थे उन पे वो डायरेक्टली उसको बनाया करते थे, हायर लेबर हायर करके, ठीक है। अब निज कल्टीवेशन में एक प्रॉब्लम थी कि अपना एरिया वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे सबसे पहले तो, और इंडिगो सिर्फ फर्टाइल लैंड्स पे ही मतलब बन सकता है, और तो जहाँ पे फर्टाइल लैंड्स उन्हीं एरिया में थे बहुत ज़्यादा, जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है, और मतलब सारी फर्टाइल लैंड बेसिकली पॉपुलेटेड जगहों पे थी, तो जो स्मॉल प्लॉट्स थे जो कि लैंडस्केप के ऊपर थे उन्हीं को मतलब एक्वायर किया गया, बट प्लांटर्स को बड़ा जगह चाहिए था। फिर उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अटैम्प्ट करा कि जो इंडिगो की फैक्ट्री है उसी के अराउंड जो लैंड है उसको वो लीज में ले सके और पीजेंट्स को मतलब एवेक्ट कर सके, बट इसकी वजह से हमेशा ही कन्फ्लिक्स और टेंशन्स ही आए, और लेबर भी नहीं मिल रहे थे, बिकॉज जिस टाइम पे इंडिगो बनता था उसी सेम टाइम पे राइस कल्टीवेशन होता था, तो जब मतलब जब इसकी इंडिगो की कटाई या बुआई होती थी उसी टाइम पे राइस की भी कटाई या बुआई होती थी, तो इसीलिए वो ही नहीं मिलते थे, लेबर ही नहीं मिलते थे, ठीक है। सो निज कल्टीवेशन में जितना जगह है उतना ज़्यादा हमें मतलब प्लोज और बुलक्स की ज़रूरत होती है, तो एक बीघा में कम से कम हमें 2 प्लो की ज़रूरत होती है, मतलब एक प्लांटर जिसके पास 1000 बीघा है उसको 2000 प्लो चाहिए। अब इतने सारे प्लो को ख़रीदना उसके बाद उसको मेंटेन करके रखना एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। और प्रॉब्लम ये भी थी कि वो ना
उनको ना मिल नहीं रहा था, इजीली सप्लाईज मिल नहीं रही थी, बिकॉज सेम टाइम पे राइस का भी काम हुआ करता था जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। सो लेट 19th सेंचुरी में प्लांटर्स ने बोला कि वो मतलब जो निज कल्टिवेशन का एरिया है वो एक्सपेंड नहीं करेंगे। सो लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वर दिस सिस्टम, ठीक है। सो लेस देन 25% ऑफ ये भी नहीं यहाँ पे उगती थी, 25% की इंडिगो भी नहीं उगती थी निज सिस्टम में, निज कल्टिवेशन में। तो एक अल्टरनेटिव मोड था, विट वॉज द रेवती सिस्टम। सो इंडिगो इन द लैंड ऑफ रेवत, सो हम देखते हैं। सो रेवती सिस्टम में जो प्लांटर्स थे उन्होंने जो रेवत थे उनको एक एग्रीमेंट साइन करने में फोर्स किया, डेट वॉज सत्ता जिसको बोला गया। सो उधर एट द टाइम उन्होंने बोला कि जो भी विलेजेस है और जो हेडमेंस है उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देंगे ऑन द बिहाफ ऑफ रोड्स, जिसके अंडर जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब उन्होंने उसमें जो भी कैश एडवांसेस है फ्रॉम द पार्टनर्स वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। तो उन्होंने बोला कि हम बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमसे चार्ज करेंगे अगर तुम्हें लोन लेना है तो, बट द लोन कमिटेड ऑफ द रेट ऑफ कल्टिवेशन एटलीस्ट 25%। उन्होंने बोला अगर तुम्हें लोन लेना है हमसे बट तो तुम्हें एक चीज़ करनी पड़ेगी कि तुम्हारी जो लैंड है उसमें लगभग 25% ऑफ जो जगह है उधर तुम्हें इंडिगो ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब कुछ हुआ भी, उनको कम रेट में लोन भी मिल जाया करता था, तो इसीलिए लोग बोलते थे कि ठीक है कम रेट में लोन मिल रहा है तो हम इंडिगो उगा देंगे। फिर वही इंडिगो उगाने में काटने में फिर उनको फिर से लोन लेना पड़ता था उसी इंडिगो के लिए, तो वो एक सर्कल बन गया उसके बाद, ठीक है। सो यस, और उसके बाद माते इधर, ठीक है। तो जब क्रॉप्स प्लांटर्स को डिलीवर करते थे हार्वेस्ट के बाद तो एक नया लोन दिया जाता था रेवत को और फिर से ये साइकिल शुरू हो जाया करता था, मतलब हार्वेस्ट हो गया फिर से लोन लो, फिर से इंडिगो बनाओ, हार्वेस्ट हो गया फिर से लोन लो, ऐसे ऐसे, ठीक है। सो सून ये रियलाइज़ हो गया कि ये जो सिस्टम है ये कितना ख़राब है। फिर जो प्राइस ऑफ द जो इंडिगो के जो प्राइस है वो मतलब अब उनको जितना उनको चाहिए, बिकॉज अगर वो बनाना है तो उसमें खर्चा तो आएगा, इसलिए एक साइकिल ऑफ लोन बन गया जो कि कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, ठीक है। और भी प्रॉब्लम थी कि जो प्लांटर्स थे वो यूजुअली इंडिगो बनाने के में मतलब जो बेस्ट सोइल है उधर इंडिगो बनाने के लिए मना कर दिया करते थे, बिकॉज जो बेस्ट जगह है वहाँ पे पीजेंस प्रेफर करते थे कि वहाँ पे हमें मतलब राइस बनाना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंडिगो, बिकॉज इंडिगो के बहुत ही ज़्यादा डीप रूट्स है और एक बार अगर इंडिगो बन गया तो उसके बाद वहाँ पे राइस नहीं उगाया जा सकता था बिकॉज लैंड में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाते थे। द ब्लू रेबिलियन एंड आफ्टर, देखो मार्च 1859 में बहुत सारे रेवत जो थे बंगाल के उन्होंने इंडिगो को बनाने में मना कर दिया और उन्होंने बोला ना ही वो प्लांटर्स को पे करेंगे, साथ में उन्होंने इंडिगो की जो फैक्ट्रीज है उस पर अटैक करना शुरू कर दिया, जो भी उनके स्वॉर्ड्स पेयर्स और बोस थे और एरोस थे उनसे उन्होंने लड़ाई करी, और जो औरतें हैं उन्होंने उस टाइम पे पॉट्स पैन और किचन जो भी इम्प्लीमेंट्स थे उनके साथ भी उन्होंने लड़ाई करनी शुरू की, ठीक है। फिर जो भी प्लांटर्स थे उन्हें बॉयकॉट कर दिया गया और जो गोमाशात्स थे मतलब एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स जो कि रेंट कलेक्ट करने आते थे उनको बहुत मारा गया। सो जो रेवत्स ने बोला कि अब वो इंडिगो नहीं बनाएंगे, ना ही वो प्लांटर्स ये जो लाठियाल है जो लाठी से मारते थे उन लोगों को ना उनसे हम बली होंगे। और सो अब क्या किया, अब इंडिगो पीजेंट्स ने ऐसा कैसे डिसाइड किया और उनको पावर कहाँ से आई, ठीक है। सो क्लियरली इंडिगो सिस्टम जो था वो बहुत ही ज़्यादा ऑपरेसिव था, बट हर ऑपरेसिव चीज़ जो लोगों के साथ की जाती है मतलब हर अत्याचार जब किया जाता है तो हर बार लोग रेबिलियन नहीं करते ना, बहुत कम बार लोग रेबिलियन करते हैं। सो 1859 पे जो इंडिगो रेवत से उन्हें सपोर्ट मिला लोकल ज़मींदार का और विलेज का जो हेडमैन है, ठीक है, अगेंस्ट उन प्लांटर्स के। तो बहुत सारे विलेजेस के जो हेडमैन थे उनको फोर्स किया गया कि वो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट में साइन करे, इंडिगो पीजेंट्स को मोबिलाइज करे और जो भी मतलब बैटल्स हैं उनको लड़ाई करें, जो भी बैटल्स हो रही है उनको लड़ाई करें विद द लाठियाज। और अलग जगह पे जो ज़मींदार थे वो अलग अलग जगह पे जा रहे थे और प्लांटर्स को रेजिस्ट कर रहे थे और बोल रहे थे कि हम नहीं उगाएंगे। ये जो भी ज़मींदार थे ये बहुत अनहैप्पी थे बिकॉज प्लांटर्स की जो पावर है वो बढ़ती ही जा रही थी और एंग्री इसलिए थे बिकॉज प्लांटर्स को मतलब वो लीज दे रहे थे उनको उन्हीं के लैंड। सो यहाँ पे प्लांटर्स जो हैं वो इंग्लिश मैंस है और जो रेवत्स है वो है फार्मर्स, तो कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो जो इंडिगो पीजेंट्स हैं उन्होंने इमेजिन किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी उनको उनके इन प्लांटर्स के अगेंस्ट। सो जब
1857 की रिवॉल्ट हुई तब ब्रिटिश गवर्नमेंट पर्टिकुलरली उनको टेंशन हो रही थी कि कहीं एक और रिबेलियन ना चल पड़े साथ साथ में, ठीक है। और जब ये न्यूज़ फैल गई कि इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में रिवॉल्ट चल रहे हैं, तब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस टाइम के उस रीजन के, उन्होंने उन्होंने बोला उन्होंने मतलब उनको एक सिंपथी दी कि हाँ हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। फिर जब बरसात चल रही थी तब जो मजिस्ट्रेट थे उस टाइम के यानी कि एशली एडन, उन्होंने एक नोटिस स्टार्ट किया कि जो रेओत है वो उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करे, ठीक है। और उन्होंने ऐसे बोला कि क्वीन विक्टोरिया ने एक मैसेज मतलब एक डिक्लेरेशन किया कि अब इंडिगो को उगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडन तो सिर्फ ये चाह रहे थे कि जो पीजेंट्स है और जो कंट्रोल मतलब जो एक्सप्लोजिव सिचुएशन है उन पर थोड़ा कंट्रोल ला सके, बट जो रेओस थे उनको लगा कि अब तो ये भी हमारी हेल्प कर रहे हैं और उन्होंने और बड़ा मतलब रिबेलियन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उन्होंने उसके बाद जो कलकत्ता के जो लिखे पढ़े लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, वो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में आए और उन्होंने देखा कि कैसा कैसा मिजरी हो रहा है और कितना उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और इंडिगो सिस्टम के क्या क्या हॉरर्स थे, हॉरर मतलब डिसएडवांटेजेस थे, वो सब कुछ वो लिखने लगे, ठीक है। सो रेबेलियन के बारे में जब उनको डर लग रहा था बहुत, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि प्लांटर्स को हम थोड़ा सा मतलब असॉल्ट करते हैं, और उन्होंने इंडिगो कमीशन को मतलब सेट कर दिया और इंक्वायर कर दिया कि सिस्टम कि इंडिगो प्रोडक्शन के जो सिस्टम है उसमें ना कोई बात नहीं, तुम्हें ज़रूरी नहीं है। सो कमीशन ने बोला कि जो प्लांटर्स की गिल्टी उन्होंने निकाली और क्रिटिसाइज़ किया कि उन्होंने मतलब ये कोई तरीका है कि ऐसे कोई इंडिगो कल्टिवेट करता है। सो इन्होंने डिक्लेयर किया कि इंडिगो प्रोडक्शन रेओत्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। तो कमीशन ने रेओत्स को पूछा कि उनके जो भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है वो उनको फुलफिल कर दे, बट उन्होंने उसके बाद फिर तुम रिफ्यूज़ कर सकते हो इंडिगो फ्यूचर में मतलब बनाने के लिए, ठीक है। इस रिवॉल्ट के बाद जो इंडिगो का प्रोडक्शन है वो बंगाल में बिल्कुल ही ज़्यादा ख़त्म हो गया, पर प्लांटर्स ने शिफ्ट कर दिया ये ऑपरेशन बिहार पे, और वहाँ पे भी उन्होंने लेट नाइनटीन सेंचुरी पे वो बिज़नेस को फिर से अफेक्ट हुआ। उसके बाद जब महात्मा गांधी आए साउथ अफ्रीका से वापस, तब उन्होंने मतलब बिहार वो गए और उन्होंने चंपारण विज़िट किया, और महात्मा गांधी ने भी 1917 में चंपारण मूवमेंट के अगेंस्ट वो लोग गए, मतलब चंपारण मूवमेंट में इंडिगो प्लांटर्स के वो लोग अगेंस्ट गए थे, ठीक है। सो यस, डैट इज़ इट फॉर चैप्टर 3। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यस, आने वाले चैप्टर्स भी इतने इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो यस, मेक श्योर कि आप देखते रहे वीडियोज। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।